और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली योजना से बहनें और बेटियां मजबूत हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के तहत 10 जून से महिलाओं के खाते में सीधा हर महीने 1,000 रुपये आएंगे, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी और बहनों की जिंदगी बदलना इस योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में इन दिनों विकास की बयार बह रही है। युवाओं से लेकर महिलाओं तक के लिए शिवराज सरकार बेहतरीन काम कर रही है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर महिलाओं को ताकतवर बनाने की मुहिम हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली योजना के तहत महिलाओं को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि 10 जून से लाडली योजना के तहत रजिस्टर महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे बहनों और बेटियों को ताकत मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक संकट भी खत्म होगा। मेरी बहनों, बहनों की जिंदगी बदलना है और परिवार की हालत बदलना है, समाज को बदलना है। मैं शायद भगवान ने फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि ये बड़ा काम मैं कर सकूं आपके लिए। अब तक 1,20,00,000 बहनों ने आवेदन भरे हैं। मैंने बताया कि विवाहित 23 से 60 साल की उम्र, 2,50,000 से कम आमदनी, 5 एकड़ से कम जमीन और 4-व्हीलर कार मोटर वगैरह, क्योंकि वो फिर अमीर लोग होते हैं तो वहां 1,000 रुपया की जरूरत नहीं है, गरीबों को जरूरत है, निम्न मध्यम वर्गी को जरूरत है। अभी 1,20,00,000 बहनों को अगर हर साल 12,000 रुपया जाएगा एक बहन को, तो कुल कितने रुपया होंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। आप बताओ कोई कर सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना। लेकिन बहनों के लिए करना है। अभी मई में पूरे आवेदनों की जांच हो जाएगी। अच्छा, आवेदन भरने में कोई ने पैसा वैसा तो नहीं मांग ले? फ्री में ही भरे गए ने? कोई ने गड़बड़ करी तो बता देना, नौकरी के ही बाहर कर दूंगा मैं। क्योंकि सारा EKYC के लिए भी 15-15 रुपया हमने दिए कि भाई बहनों का नहीं लगने जाए, बहन के पैसा लग गया तो भैया का मतलब ही क्या था? इसलिए व्यवस्था करने की कोशिश की। और 10 जून का दिन बहनों की जिंदगी में ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन मेरी बहनों आपके खाते में पहला 1,000 रुपया आएगा। 10 जून मेरी बहनों उस दिन भजन गाएंगे, बधाई गाएंगे, नाचेंगे। उस दिन से बहनों की जिंदगी में नया दिन प्रारंभ होगा और आपकी आंखों के आंसू मैं पी जाऊं भगवान, इनके सारे दुख दूर हो जाए मेरी बहनों के। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये भी बता दो। सृष्टि का चक्र पति पत्नी, बेटा बेटी दोनों मिलकर चलाते हैं, फिर महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? और आप देखो, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मन में दर्द हो, आत्मा रोती थी। पहले आरोग्य यहां पे है मेरे साथ, जब मैं कुछ भी नहीं था, विधायक सांसद बना तो मैं बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी, अपने पैसा, दोस्तों के पैसा मिला के। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी। और अब 49,000 रुपया का सीधा चेक मिलेगा, बेटियों को शादी सामूहिक रूप से करते हैं, ताकि बेटी को बोझ मत मानो भाई, बेटी की शादी, अब मामा तो मुख्यमंत्री है, मैं करूंगा। फिर दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सबको बताना लाडली लक्ष्मी के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, अरे भैया आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, 5वीं पास करके 6वीं भी जाएगी, 2,000 लाडली बेटी को, 8वीं पास करके 9वीं भी जाएगी, 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी, 6,000, 12वीं में, फिर 6,000 कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 दूंगा, और बेटी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। बहरहाल लाडली योजना से महिलाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हों या फिर
मुश्किलों से बच्चों का पालन पोषण करने वाली महिलाओं के लिए सरकार बेहतरीन काम कर रही है। फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचने के लिए शिवराज सरकार मेहनत करने में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की योजनाओं से महिलाएं कितनी ताकतवर बन पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दमोह जिले में बहुप्रतीक्षित एफएम रिले सेंटर का शुभारंभ हो गया। दमोह के लोगों की अनेक वर्षों से मांग थी कि दमोह में भी एक एफएम स्टेशन का शुभारंभ हो। ऐसे में भारत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से दमोह के लोगों को इस सौगात मिली है। दमोह की सर्किट हाउस पहाड़ी पर पूर्व में स्थित दूरदर्शन केंद्र के स्थान पर अब एफएम रिले स्टेशन का सेटअप होने के बाद शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वक्त से पहले पहुंचे, इस केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं सभी ने एक स्थान पर बैठकर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होते हुए आयोजनों को देखा और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दिए गए संबोधन को भी सुना। आयोजन के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और अनुराग जी को धन्यवाद देता हूं कि दमोह को यह सौगात मिली है। और मैं मानता हूं कि आकाशवाणी कम्युनिकेशन का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है, अंतिम छोर पर जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए, और हम अपनी बात को सीधे उस तक पहुंचाने में इसके माध्यम से सफल होते हैं। और इस प्रभाव को हमने प्रधानमंत्री की मन की बात में देखा है, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के तौर पर देखा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुँचते हुए देखा है। और बेमेतरा में प्रशासन ने पूर्व सीएम रमन सिंह का काफिला रोका, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लगा। घंटों जद्दोजहद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़कर पूर्व सीएम का काफिला निकल गया। और इस दौरान भाटापारा विधायक शिवतरण ने कहा कि जिले में धारा 144 बीजेपी और आम नागरिकों के लिए लागू होती है, यदि जिले में 144 लागू है तो कांग्रेस की बड़ी बड़ी आम सभाएं कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल बीरनपुर जा रहा है। बीरनपुर में चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आसपास के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जा रहा है, उनको लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। और प्रशासन पूरी तरह से वहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। मंत्री का दौरा होता है, बेमेतरा से 144 हट जाती है, खान खमरिया से 144 हट जाती है। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ 144 नहीं है, पर सारी गाड़ियां रोकी जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बीरनपुर के साइड ना जा पाए। और दमोह की बटियागढ़ थाना पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर सेल क्राइम की ग्रामीण क्षेत्रों और पब्लिक प्लेस पर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि जन चौपाल के माध्यम से लोगों को साइबर सेल क्राइम से बचने के उपाय बताए गए, जिसमें फ्रॉड, किसी भी व्यक्ति को अपनी बैंक संबंधी जानकारी ना दे, किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए और ना ही किसी को पैसे दे। ये हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश के पालन में गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाकर जनता को जागरूक करना, बैंक फ्रॉड, एटीएम के बारे में, अकाउंट खाते के बारे में और धार्मिक सद्भाव बना के रहना और नशा मुक्त रहने के बारे में श्रीमान का आदेश हुआ है, उनके पालन में हम लोग ग्राम ग्राम में जाकर जन चौपाल लगाकर जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और लोगों के समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने एक और जहां पुलिस द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, तो वहीं अब सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए पुलिस महकमे द्वारा नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें अब अलग अलग थाना सर्किल में हेल्पलाइन शिविर लगाकर लोगों की सुनवाई की जा रही है। आज थाटीपुर सीएससी कार्यालय पर सीएम हेल्पलाइन के मामलों का निराकरण करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां संबंधित क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें यूनिवर्सिटी, सिरोल, मुरार, थाटीपुर और क्राइम ब्रांच थाने से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया गया। सीएम हेल्पलाइन शिविर में अपनी अपनी फरियाद लेकर व्यक्ति पहुंचे और फरियादियों की समस्याओं का यहां पुलिस अधिकारियों ने निराकरण किया। साथ ही उन्हें पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता सप्ताह में भी सहयोग करने की अपील की। अच्छा व्यवहार किया पुलिस द्वारा मेरे साथ में और मेरी समस्या का अति शीघ्र इन्होंने निपटारा किया है
और आश्वासन दिया कि भविष्य में आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या शिकायत किया? शिकायत यही थी कि आसपास के लोग मारते पीटते थे, परेशान करते थे। उन्होंने कहा उनको थाने में बुलाया जाएगा और सख्ती से उनके साथ केस आएंगे और उनसे अगर कार्रवाई योग्य होगी आपकी शिकायत तो कार्रवाई की जाएगी और उनको न्यायालय भेजा जाएगा। आज सीएम हेल्पलाइन का शिविर लगाया गया है जिसमें कि जो सीएम हेल्पलाइन में लंबी शिकायतें हैं उनका निराकरण करने के लिए आज अब इनको आवेदकों को बुलाया गया है। यहाँ पर बेसिकली जो दो सर्किल हैं, सीएसपी मुरार सर्किल है जिसमें विनायक शुक्ला सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद है जिसमें मुरार गोले के मंदिर और थाटीपुर, इसके अलावा सीएसपी यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर मौजूद है जिनके जो थाना यूनिवर्सिटी सरौल और झांसी रोड, इसके अलावा क्राइम ब्रांच कुल मिला के 7 थानों का यहाँ सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतों के लिए शिविर लगाया गया है। इसमें आवेदकों को समझ में सुना जाएगा और जो भी युक्तिसंगत उनका निराकरण किया जाए। सिद्धार्थ मलैया की बीजेपी में वापसी से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। वहीं दमोह से कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने उनकी वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सिद्धार्थ की बीजेपी में वापसी पर तंज किया और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ मलैया के पिता जयंत मलैया ने उनकी बीजेपी में वापसी पर खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश दमोह के अंदर आपको बता दें कि सिद्धार्थ मलैया की बीजेपी में वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जनता की सेवा करने के रूप से हर प्रकार में अग्रणी है और हमारा उद्देश्य केवल एक रहता है, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की मूलभूत उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। अब रही बात उनकी वापसी, वापसी उनकी हुई है, उन्होंने वापसी की है यहाँ वहाँ भटकने के बाद में, अब ये वो जाने कि क्या उनका एग्रीमेंट है, क्या सेटलमेंट है, ये तो भाजपा की बात भाजपा वाले ही जाने, लेकिन हमारी पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दतिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। मामला इंदरगढ़ तहसील का बताया जा रहा है जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मां अपने 6 महीने के बीमार बेटे का इलाज कराने पहुंची, जिसके बाद सामुदायिक केंद्र में मौजूद डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और भाप दी, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे चिकित्सा सेवा नहीं देते हुए दतिया अस्पताल के लिए रेफर किया। वहीं एम्बुलेंस भी 3 घंटे बाद पहुंची, जबकि अस्पताल में विधायक निधि से दी गई 2 एम्बुलेंस मौके पर खड़ी थी लेकिन उनमें तेल नहीं था, जिससे मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग खानापूर्ति कर रहा है और छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दवाई खत्म हो गई तो दूसरी भी दवाई डाल सकते हैं। दूसरी डाल दे, नहीं डाली दवाई, नहीं डाली मैंने की अब तो हो गया, बोले समैया रहेगा तो ठीक रहेगा। हम भी इलाज करा, इसके पहले भी बीमार हो गया था तो हम दतिया ले गए थे, तो दतिया में ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर ज्यादा जी अवे हो गया तो लगातार ऑक्सीजन लगती रही थी वहाँ में, आधी सीसी डालती थी, एक पूरी सीसी आधी डालती वहाँ में, तो आधी सीसी वहाँ में पूरी एक जने को लग रहा तो वहाँ में फिर भी सांस कम हो जाती, पर ये ऑक्सीजन में उसको फायदा नहीं पड़ी। जाँच करा के देखे क्या कारण था, किस वजह से वह 108 नहीं पहुंच पाई, किन परिस्थितियों की वजह से, और अगर इसमें कोई ऐसी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भोपाल लेटर लिखेंगे। इस तरह से लेट विलंब क्यों होगा 3 घंटे। और कोरबा में जनदर्शन के दौरान बरपाली सरपंच पर मनमानी के आरोप लगे हैं। बरपाली पंच अच्युत दास महंत ने ग्राम पंचायत बरपाली के सरपंच पर आरोप लगाया है। कन्या प्राथमिक शाला की जमीन पर बाउंड्री वॉल को तोड़कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर एसडीएम कोरबा की अध्यक्षता में टीम ने पंचनामा बनाकर अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच सुमित्रा बाई बिंजवार के द्वारा अपने निजी स्वार्थ को यहाँ पर स्वार्थ को सिद्ध कर रही है और ग्राम पंचायत में अभी फंड भी नहीं है। आखिरकार किस मद से कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या बोले बैठ के
मामला ये है कि स्कूल के अहाता को तोड़ करके दुकान का निर्माण कर रहे हैं। ये शिकायत जंज चौपाल कलेक्टर जंज चौपाल में लगा था और वहाँ से आवेदन एसडीएम को दिया गया था। एसडीएम ने टीम गठित किया जिसमें तहसीलदार मैं और एसडीओआरएस हैं और हम लोगों के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है और उसके बाद अभी नाप वाप लिए हैं। उस संबंध में अभी तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, उसको फिर फाइनल रिपोर्ट बनाते समय वो सब देख के बता पाएंगे हम लोग। और देवास में नागूखड़ी उज्जैन रोड स्थित वेयर हाउस पर गेहूं का उपार्जन समय पर नहीं होने पर किसान नाराज हो गए, जिसके चलते किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़क के दोनों ओर बैठ गए, जिससे दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतार लग गई। किसानों ने चक्का जाम कर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी, जिससे एक घंटे तक चक्का जाम होने से कई वाहन चालक परेशान होते दिखाई दिए। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का दौर जारी है, लेकिन सिया में स्थित साइलो की क्षमता पूर्ण होने पर अब शहर के अन्य छोटे वेयर हाउसेस में किसानों के गेहूं पर खरीद कर रखी जा रही है, लेकिन समय पर किसानों की उपज तुलाई नहीं होने के चलते किसान नाराज हो रहे हैं। ये है कि सब किसानों का बेला साइलो में था, साइलो के बाद यहाँ किसानों को यहाँ भेज दिया गया। यहाँ पर समस्या ये है कि ये छोटा सा गोडाउन है और चार चार दिन होगा किसानों को। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ से माल हटाना है या दूसरे वेयर हाउस पहुँचाए। तीसरी समस्या कि यहाँ 2-3 बजे नीलामी होती है, 10-5 ट्रैक्टर तुलते हैं, उस पर भी जो है वो अपनी अपनी मांग रख लेते हैं, अपनी अपनी मांग रख लेते हैं कि भैया हमें 500 चाहिए, 700 चाहिए। समस्या ये है भाई, वहाँ से साइलो से हटाए ट्रैक्टर तो उन ट्रैक्टरों की या तो व्यवस्था कर दे या यहाँ से जो माल हटाना तो माल हटा दे और टेक भी नहीं चढ़ भाई इसके ऊपर सबकी तारीख। दूसरी एक समस्या वो है कि 7 दिन का प्रशासन ने टाइम दिया, काफ़ी पर्याप्त तो समय है किसान के लिए। 7 दिन में कितना भी बड़ा किसान हो वो अपना माल तोल सकता है, लेकिन समस्या कि एक ट्रैक्टर लाता है या किराए से लाता तो 4 दिन में अगर वो घर जाएगा तो क्या तोल पाए। 6 दिन हो गए, 4-4 दिन तो फिक्स हो ही गए। सबसे मूल समस्या ये है। और उज्जैन के दावा बाजार स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों पर रखा करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दुकान संचालकों के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर दावा बाजार की दुकानों में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये घटनाक्रम ऐसे हुई है कि अंदर आग शॉर्ट सर्किट से लग गई है, लगभग कम से कम करोड़ के ऊपर ही है, 2-3 करोड़ के अंदर ही अंदर मालूम पड़ेगा। अभी तो 3 दुकान पे आग लगी। और दमोह के बकायन गांव के पास एक ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। 1:30 बजे की बात है, हमारे स्टाफ जो है गश्त में था और FRB पे सूचना प्राप्त हुई थी कि बकान मेन रोड पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा जो स्टाफ मौके पर पहुंचा तो पता चला कि नरसिंहगढ़ की राजेश मिश्रा और ट्रक का सामने सामने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। जो राकेश मिश्रा रात्रि में ही मौके पर ख़त्म हो चुके थे, जो उनकी सुरक्षा के हेतु स्टाफ को भेजकर और डेड बॉडी उठवाकर हॉस्पिटल में रखाई गई। सुबह प्रधान आरक्षक चंद्रभास के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कराई। और ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नकली पान मसाले की सप्लाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को यहां से पकड़ लिया है, जिसमें 4 बोरी नामी कंपनी का नकली पान मसाला मिला, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एडिशनल SP क्राइम राजेश तंदरोटिया ने बताया है कि कंपनी के लीगल एडवाइजर ने इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रांच को सूचना मिली थी जिसमें कि इलाहाबाद से इनके जो लीगल जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लीगल हेड होते हैं वो आए तो उन्होंने संपर्क किया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय का नकली पाउच सेल किया जा रहा, तो व्यापारी बन जो उस व्यक्ति से डील की गई और डील की गई बताए हुए स्थान पर जब उसके साथ डील की गई तो उसको क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उसको हिरासत में लिया गया। तो उसके कब्जे से 4 बोरे मिले हैं जिसमें 700 पैकेट्स राष्ट्रीय के हैं और जो कि पूरी तरह नकली है, उनके द्वारा बताया गया था लीगल कॉर्पोरेट हेड के द्वारा पूरी तरह नकली है। इसमें पता किया जा रहा है इसमें कौन लोग हैं, तो 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें गाड़ी जो टिया गाड़ी है वो भी जब्त कर ली गई है। अब बिलासपुर के दूसरे रेलवे स्टेशन उसलापुर में 24 अप्रैल से संपर्क क्रांति और 25 अप्रैल से जम्मूतवी एक्सप्रेस उसलापुर से शुरू हो गई है। 1 मई से अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर की जगह उसलापुर से जाएगी। इन दोनों ट्रेनों से करीब
8000 यात्री यहां पर यात्रा कर सकेंगे, लेकिन उसला पुलिस स्टेशन में यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में रेल अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाए। देखिए, जो दुर्ग दिशा से कटनी दिशा की ओर ट्रेनें आती हैं, वर्तमान में 4 जोड़ी ट्रेनों को बिलासपुर की जगह उसलापुर स्टेशन होकर चलाया जा रहा है, अर्थात ये ट्रेनें अब बिलासपुर ना आकर उसलापुर होते हुए आगे कटनी दिशा की ओर जाएंगी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो दुर्ग से ट्रेनें आती हैं और कटनी दिशा की ओर जाती हैं, तो बिलासपुर में उनका इंजन रिवर्सल करना पड़ता है। उसलापुर स्टेशन के थ्रू जाने से ये समस्या नहीं रहेगी। और भिंड में लोकायुक्त टीम ने नगर पालिका में कार्य करने वाले एक क्लर्क अजय राजावत को पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 55,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की टीम भी छापेमारी के दौरान टीम पर कुछ लोगों ने मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अजय राजावत को 55,000 रुपए की रिश्वत राशि देते हुए ट्रैप किया गया है और उसके खिलाफ पीसी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। एक विपिन जैन के मकान के नामांतरण के एवज में उससे 1,00,000 रुपए की डिमांड की थी, जो 55,000 रुपए पे सौदा तय हुआ। नगर पालिका में बाबू अजय राजावत, उसने हमसे नामांतरण के लिए 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें हमने इसको इलाज उला के 55,000 रुपए पे इसमें बात तय करी और उसमें भी इसने काफ़ी सारी दिक्कतें दी, काफ़ी सारा समय लगा लिया। आज जाके बात फाइनल हुई थी, परसों के दिन इससे मेरी बात हुई थी और आज का दिन डिसाइड हुआ था कि इसको पैसे देने। मैंने इसको आज पैसे दिए और इसने अपनी जेब में रख लिया। और जिले में लगातार अवैध शराब, जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वहीं पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ यहाँ पर 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बस से 10 किलो गांजा लेकर कहीं जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। एक बस से 2 यात्रियों के बैग से 10 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये आकी जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।